जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स एडिक्शन में। होप आप सभी अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके सो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है? तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू चार्ज पढ़ा है, चार्ज के बारे में आपको समझाया था, चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, और आपको यही बताया था कि दो चार्ज एक दूसरे पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट फोर्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, एंड कूलम्स लॉ को ही मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ। कूलम्स लॉ क्या था? इफ टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट अ सेपरेशन ऑफ r, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन देम इज गिवन बाय F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय r² वेयर K इज कूलम्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस। इतना चीज अभी तक हमने देख लिया है। और क्या किया है? तो और हमने कूलम्स लॉ पे लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किया था। ओके तो आज के लेक्चर को उसका एक कंटिन्यू करते हैं। तो याद होगा मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक बोला था, एक क्वेश्चन दिया था कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो फिर इस तरह के और न्यूमेरिकल्स को आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को पहले करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन कि दो चार्जेज हैं क्यू एंड सेकेंड चार्ज ऑल्सो क्यू, सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L, एंड इन बिटवीन दी चार्जेस ए चार्ज कैपिटल क्यू इज ऑल्सो कैपिटल। ओके अब इस बार क्या बोल रहा है कि इफ दिस चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा उसको क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, बट इन पैरेलल, कैसे डायरेक्शन में? पैरेलल डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, यानी ये जो लाइन है दिस इज लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस। अब इसके पैरेलल यानी या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में अगर इस वाले चार्ज को स्लाइटली हम डिस्प्लेस करेंगे तो वो किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा? क्लियर है क्वेश्चन? इफ दिस चार्ज इज डिस्प्लेस स्लाइटली पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस देन वी हैव टू कमेंट ऑन द टाइप ऑफ मोशन परफॉर्म बाय दिस थर्ड चार्ज। ओके दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, उसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को, और उसके बाद फिर हम चलेंगे उसके सॉल्यूशन पे। सो राइट डाउन क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन इज इफ ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू ईच सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2L। ओके नाउ इफ द थर्ड चार्ज या इफ कैपिटल क्यू इज displaced slightly parallel to line joining both charges, then find what type of मोशन इट विल परफॉर्म। ओके सो फ्रेंड्स, आई होप क्वेश्चन आपको ये क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? इफ ए चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू इज सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 2L, यानी ये कैपिटल क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है इन बिटवीन टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू इज, क्लियर है ये? और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 2L दिया हुआ। आगे बोल रहा है इफ कैपिटल क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, यानी इस वाले चार्ज को स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं इन डायरेक्शन पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस, देन वी हैव टू फाइंड व्हाट टाइप ऑफ मोशन विल बी परफॉर्म बाय दिस चार्ज। ये वाला जो चार्ज है ये किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा? आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ओके
सो लेट्स सॉल्व दिस। सो फ्रेंड्स, मानते हैं कि हम इस वाले चार्ज को स्मॉल x डिस्टेंस के लिए क्या किए हैं, डिस्प्लेस कर दिए हैं और यहां से यहां लेकर के आ गए। तो अब इस पोजीशन पे इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा, मानते हैं कितना लगेगा, F1 लगेगा, और इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इधर की तरफ होगा वो मानते हैं कितना लगेगा, F2 लगेगा। तो क्या हम F1 और F2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? आंसर इज हाँ, हम F1 और F2 का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हम वही काम करते रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। सो लेट्स फाइंड इट। तो F1 कितना हो जाएगा, फॉर्मूला इज K Q1 Q2 by R square, so this will be equal to K, Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 का वैल्यू होगा, अगर इन 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 दोनों के बीच का हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो Q1 का वैल्यू स्मॉल Q, और Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल Q, this is divided by distance between both charges। अब ये कितना है, तो यहां से यहां 2L, तो उसका आधा कितना हो गया L, and this distance is X, so charge, इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, L plus X, तो डिवाइड कर देंगे L plus X के स्क्वायर्स। सिमिलरली वी कैन फाइंड F2, so F2 is force between these two charges। अब इन दोनों चार्ज के बीच का फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे, तो वो फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 by K Q1 Q2 by R square, वैल्यूज को रखते हैं, तो वैल्यूज क्या क्या है, K Q1 कितना है स्मॉल Q, Q2 कितना है कैपिटल Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो देखो दोस्तों यहां से यहां तक कितना है L है, और यहां से यहां x है, we are interested in finding these two distances, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है अपने को, तो यहां से यहां l और यहां से यहां x, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा l minus x, तो l minus x का स्क्वायर। अब अपने को ये दोनों वैल्यू फोर्स का मिल गया, तो क्या अब इस वाले चार्ज पे हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों फोर्सेस को आप एड कर दीजिए, तो देयरफॉर नेट फोर्स acting on charge capital Q will be। अब देखो ये मान लो capital Q charge है, तो F1 इधर लग रहा है और F2 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, both forces are acting in opposite direction, and since both forces are acting in opposite direction, इसलिए उनका magnitude भी क्या होगा, उनका direction क्या है, अलग अलग है, both forces are acting in opposite direction। अब अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना होगा अपने को, तो दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए अपने को उन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना होगा, तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट विल बी इक्वल टू F1 माइनस F2। क्लियर है ये, हम इस वाले डायरेक्शन को प्लस मान रहे हैं, इस वाले डायरेक्शन को माइनस मान रहे हैं, तो F1 कितना है, तो F1 यहां पे है KQ Q by L plus X का स्क्वायर, F1 equals to K small Q capital Q by L plus X का स्क्वायर माइनस F2 कितना है KQ Q by L minus X का स्क्वायर, so F2 equals to K small Q capital Q by L minus X का स्क्वायर। अब इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, तो LCM दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा, कॉमन लेने वाला चीज कॉमन ले लेते हैं, so K small Q capital Q से कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1 upon L plus X स्क्वायर माइनस 1 upon L minus X का स्क्वायर। ओके, यहां तक क्लियर है, सो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, यहां पे दोनों का एलसीएम हो जाएगा एल प्लस एक्स स्क्वायर इनटू एल माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक आपको अच्छे समझ में आया ना, इसके बाद देखिए इधर एज कर रहा हूं, फिर से यहां पर अपने मिल जाएगा F net equals to ऊपर वाला इस टर्म को ब्रेक कर देंगे, तो दिस इज a माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, माइनस दिस इज a प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ओके, तो इतना टर्म ये हो गया होल डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक करेंगे तो कितना जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एल एक्स होल डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से एल स्क्वायर कैंसिल एक्स स्क्वायर कैंसिल, वी आर हैविंग टू एल एक्स एंड टू एल एक्स माइनस फोर एल एक्स माइनस ऑफ फोर एल एक्स होल डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज एफ ने। अभी तक सब कुछ क्लियर है? अभी तक हमने क्या किया, फोर्स को स्लाइटली डिस्प्लेस किया, उसके ऊपर लगने वाला दोनों फोर्स फाइंड किया, और उन दोनों फोर्स के एडिशन से हमने उस वाले चार्ज पे नेट फोर्स फाइंड किया। चार्ज को डिस्प्लेस किया, उस पर लगने वाला नेट फोर्स फाइंड किया, नेट फोर्स यह है। अब देखिए वहां पे आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था क्या कि चार्ज इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। चार्ज को हम कैसा डिस्प्लेस किए हैं, बहुत हल्का, बहुत स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा उसको क्या किए हैं, डिस्प्लेस किए हैं। मींस दिस डिस्टेंस स्मॉल एक्स इज वेरी मच लेस देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। और जब एक्स का वैल्यू लेस है एल से, तो एक्स का वैल्यू बहुत कम है एल से, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे और यहां पे एक्स को हम इजीली नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों एक्स को हम नेगलेक्ट कर दें, देखिए यहां पे एक्स का वैल्यू कम है एल स्क्वायर से, सॉरी एक्स का वैल्यू बहुत कम है एल से, और अगर एक्स का वैल्यू बहुत कम है एल से, तो इस वाले फॉर्मेट में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नेगलेक्ट दिस वैल्यू ऑफ एक्स, और x के वैल्यू को हम यहां पे नेगलेक्ट करें तो f नेट विल बी इक्वल टू माइनस फोर एल एक्स डिवाइड बाई एल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर एल रेज टू फोर, ये कैंसिल आउट हो गया एल रेज टू क्यू, दिस इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाई एल। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये तो हो गया नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अब उस वाले चार्ज पे अपने को अगर नेट फोर्स मिल गया, तो अगर आप ध्यान से इस वाले चार्ज को स्टडी करेंगे, एफ नेट फोर कितना है, तो एफ नेट है माइनस फोर बाई एल क्यू इंटू एक्स। अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, क्या है इस फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं, इसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसको हम इसे कंपेयर करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि ये ऐसा भी वाला टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे हम बोल सकते हैं कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, और अगर ये वाला फोर्स माइनस ऑफ एक्स से प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस दैट इट इज ए रीस्टोरिंग फोर्स। और अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स है तो पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। दिस इंप्लाइज पार्टिकल विल परफॉर्म एस एच एम। अब यहां पे पार्टिकल एस एच एम परफॉर्म करेगा। अब अगर एस एच एम परफॉर्म करेगा तो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी टाइम पीरियड ऑफ दैट एस एच एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल्स होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। तो ये सभी वैल्यू सेम रहेगा, अपने को के इक्विवेलेंट फाइंड करना है और रख देना है। तो के इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो अपने को मालूम है कि एसएचएम में आपको पढ़ाया था मैं कि जो फोर्स होता है माइनस के एक्स से उसको इक्वेट करते हैं, तो माइनस के एक्स से इक्वेट करेंगे इसको, इस वाले फोर्स को, यानी माइनस फोर बाई एल क्यू इंटू एक्स को। तो यहां से अपने को k का वैल्यू मिल जाएगा, उस k के वैल्यू को यहां पे ला करके इस वाले k के वैल्यू को आप यहां पे ला के रख देंगे, तो आपको टाइम पीरियड भी इजीली फाइंड हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो नोट इट डाउन। इसके बाद चलते हैं एक और क्वेश्चन में इसी टाइप का, जो कि आईआईटी जेई एडवांस में पहले आ चुका है। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। सो दोस्तों आज का सेकेंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, y एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। y एक्सिस पे
दो कोऑर्डिनेट हैं 0, a और 0, -a। इन दोनों कोऑर्डिनेट पे माइनस क्यू चार्ज रखे हुए, जबकि एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है 2a, 0, यहां पे चार्ज कैपिटल क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन कि वाई एक्सिस पे दो चार्जेस हैं, वन एट 0, a एंड अदर एट 0, -a। वेल एज एक्स एक्सिस पे एक चार्ज है एंड दैट इज एट 2a, 0। ठीक है ना। अब बोला है क्या कि इफ दिस चार्ज इज रिलीज्ड, अगर इस वाले चार्ज को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, फ्री करते हैं, तो ये किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा। अपने पास चार ऑप्शन है। कितना ऑप्शन है? चार ऑप्शन है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, फिर ऑप्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इज, इफ चार्ज कैपिटल क्यू इज रिलीज्ड, देन इट विल परफॉर्म ऑप्शन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM, ऑप्शन बी इट विल गो टू ओरिजिन एंड स्टॉप, ऑप्शन सी इट विल गो टू इंफिनिटी एंड ऑप्शन डी इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। ओके, सो क्वेश्चन क्लियर है। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, सबने क्वेश्चन लिख लिया होगा। एक क्वेश्चन आया था IIT में, IIT JEE 1988 में। ओके, सो इसको भी सॉल्व करेंगे हम। पहले एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए। अपने पास दो चार्जेस हैं, दोनों नेगेटिव हैं, कौन कौन से, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। एक को हमने रखा है 0, a पे वाई एक्सिस में, और दूसरे को हमने रखा है 0, -a, वो भी वाई एक्सिस पे। ठीक है ना, 0, a और 0, -a। जबकि दूसरा चार्ज प्लस क्यू है, उसको हमने रखा है 2a, 0 पे। अब 2a, 0 वाले चार्ज को अगर हम रिलीज करते हैं मतलब इसको फ्री करते हैं, तो ये किस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा? क्या ये जो चार्ज है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा? क्या ये चार्ज ओरिजिन पे जा करके रुक जाएगा? क्या ये वाला चार्ज इनफिनाइट तक ट्रेवल करेगा? या फिर क्या ये वाला चार्ज ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा, ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्वेश्चन क्लियर है आपको? चारों ऑप्शन भी क्लियर होंगे, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो दोस्तों एक एक करके हर एक ऑप्शन पे हम आएंगे। पहले देख लेते हैं क्या ये ओरिजिन पे जाकर के रुक जाएगा। तो इस वाले चार्ज पे लगने वाले फोर्स के डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो ये जो चार्ज है, दिस चार्ज विल अट्रैक्ट दिस टुवर्ड्स इटसेल्फ, जबकि ये वाला चार्ज, दिस विल ऑल्सो अट्रैक्ट दिस टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये दोनों उसको क्या करेंगे, अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी क्लियर है जितना ये वाला फोर्स होगा उतना ही ये वाला फोर्स होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के इक्वल है, ये चार्ज दोनों में कॉमन है, और इन दोनों चार्ज का वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो कूलम्स लॉ आप अप्लाई कर लीजिए, Q1 Q2 r2, k दोनों के लिए सेम हो गया, Q1 दोनों के लिए सेम हो गया, Q2 दोनों के लिए सेम हो गया, और r भी दोनों के लिए सेम हो गया, मतलब दोनों पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इक्वल रहेगा। अब अगर दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल रहेगा, तो अगर मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा, तो फोर्स का हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। सिमिलरली इसका इधर कंपोनेंट फिर से क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा। मींस ये दिख रहा है क्या कि एफ साइन थीटा एंड एफ साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, एंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज विल ऑलवेज बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा एंड इट इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या आपको इतना समझ में आ रहा है?
यानी इस वाले चार्ज पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो हमेशा कहाँ लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये चार्ज किधर मोशन परफॉर्म करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। जिधर फोर्स लाएंगे उधर ही बॉडी मूव करेगा। तो इस पर फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये बॉडी कहां मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब देखिए क्या, जब ये यहां से यहां पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया, तो ओरिजिन पे इस वाले चार्ज की हम स्टडी करेंगे। तो ओरिजिन के पास ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा, जबकि ये वाला चार्ज इसको अपने तरफ खींचेगा। क्लियर है ये। और अगेन यहां पे दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब जैसे ही ये चार्ज ओरिजिन के पास आएगा, उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो गया, मतलब ओरिजिन पे आया, जैसे ही चार्ज ओरिजिन पे आया उसके बाद ओरिजिन के पास उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। तो अब अपने को डिसाइड करना है कि क्या ये ऑप्शन बी सही है। एक बॉडी है उसको मूव करके ओरिजिन पे ला दी, और ओरिजिन के जैसे ही वो आया उसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो क्या वो रुकेगा? आंसर इज नॉट, नहीं रुकेगा। कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और उसको रोकना है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा। ओरिजिन पे क्या हो रहा है, ओरिजिन पे तो उसको कुछ फोर्स ही नहीं लग रहा है, यानी यहां से यहां के बीच में इस वाले फोर्स ने इसमें कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा। उस वर्क के कारण कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण फिर वो क्या करेगा, वहां से आगे निकल सकता है। मींस ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। बॉडी ओरिजिन पे तो जाएगा लेकिन वहां पे रुकेगा नहीं, वहां से आगे निकलेगा। क्लियर है ये। नाउ अब चेक करते हैं ऑप्शन सी के बारे में। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट जो है सो इनफिनाइट पे चला जाएगा। क्या ऐसा सही है, ऐसा बोलना सही है? चलिए चेक करते हैं। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट इसके इधर आएगा किसी पॉइंट पे, प्लस क्यू मान लो यहां पे आगे रहेगा, तो इस वक्त ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा। यानी ये दोनों चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, यानी इस वाले चार्ज पे नेट फोर्स अब क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में कैंसिल कर देंगे तो नेट फोर्स कहां रहेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रहेगा। यानी अब बॉडी तो आगे जा रहा है लेकिन फोर्स पीछे लग रहा है, बॉडी आगे जा रहा है फोर्स पीछे लग रहा है। अब मान लो मैं आगे जा रहा हूं, मुझे कोई पीछे खींच रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा स्पीड कम होगा। पीछे से अगर लगातार कोई मुझे खींचता रहे, इस वाले चार्ज को पीछे लगातार कोई खींचता रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका स्पीड कम होगा और एक ऐसा टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा। और पीछे की तरफ फोर्स अगर लगातार उस पर लगते रहे तो फिर क्या होगा, रुकने के बाद ऑब्जेक्ट फिर से क्या होगा, पीछे की तरफ आने लगेगा। ये सिमिलर ऐसा ही है कि मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किए, जब हम ऊपर थ्रो किए तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उस पर लगातार नीचे लग रहा है, एंड ड्यू टू दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, एक ऐसा टाइम आ रहा है जब वो रुक जा रहा है। हालांकि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू वेरिएबल है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन अपने को देखना है दोनों ही केस में। मोशन ऊपर हो रहा है, फोर्स नीचे लग रहा है, यहाँ मोशन आगे हो रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाकर के रुकेगा और रुकने के बाद फिर से क्या होगा, रिटर्न आएगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन फिर से उसको क्या कर रहा है, उसको अपने पास बुला रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? मतलब क्या हुआ, दिस चार्ज विल ऑल्सो नॉट गो टू इनफिनाइट, ठीक है, हेंस ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग, मींस ऑप्शन डी ऑप्शन सी तो गलत है। अब अपने को डिसाइड करना है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कौन सा सही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करेगा, ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि एसएचएम परफॉर्म नहीं करके वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। तो आइए चेक करते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो क्या उसके ऊपर लगने वाला हम नेट फोर्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उस पर लगने वाला एफ नेट जो है वो कितना है, दैट फोर्स दैट एफ नेट इज इक्वल टू 2f cos थीटा। तो 2f क्या है, f उन दोनों के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स है, कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और वो किसके इक्वल है, k q q बाई दोनों के बीच के सेपरेशन का स्क्वायर। तो ये सेपरेशन कितना होगा, ये सेपरेशन कितना होगा, तो देखो यहां से यहां a है और यहां से यहां 2a है, तो ये a ये 2a, देखिए फिर से साइड इधर मैं ट्रायंगल बनाकर वो दिखा रहा हूं, ये कोऑर्डिनेट था 2a कॉमा 0, ये कोऑर्डिनेट था 0 कॉमा a, ये वाला था y एक्सिस, ये था y एक्सिस और ये था x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस 2a, ये डिस्टेंस a, तो ये हो जाएगा कितना, अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज
फाइव ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, फोर्स क्या होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू वन अपने पास है, क्यू टू अपने पास है, और आर का वैल्यू दोनों के बीच का कितना है, आर का वैल्यू है अंडर रूट फाइव इंटू ए स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर करेंगे, रूट फाइव ए स्क्वायर का स्क्वायर कर दी, तो ये तो हो गया एफ का वैल्यू। और साथ ही साथ ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या हम कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं इजीली। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, मींस दिस विल बी इक्वल टू टू ए बाई अंडर रूट फाइव ए स्क्वायर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं फिर से, तो कितना जाएगा, टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई स्क्वायर रूट चला जाएगा फाइव ए स्क्वायर, और इधर क्या बचा ट्वाइस ए बाई, ये ए स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, तो ए रूट फाइव, तो एक ए तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब अपने पास ये फोर्स कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ के क्यू कैपिटल क्यू बाई फाइव रूट फाइव ए स्क्वायर, क्लियर है, दिस इज एफ नेट, दिस इज एफ नेट। अब यहां से हम आपसे बोले कि क्या ये वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से डिस्प्लेसमेंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, तो आंसर क्या होगा, ये जो फोर्स है और ये से मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मीन पोजीशन से क्या होता है, यहां वाला पोजीशन मीन पोजीशन होता है, तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। और ये से जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, वो डिस्प्लेसमेंट है 2a के इक्वल, सो दिस फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स, इज नेट फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement from mean position, displacement from mean position। अब displacement from mean position के directly proportional नहीं है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो force है ये एक restoring force नहीं है, this means that it is not a रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि SHM भी परफॉर्म नहीं होगा, यानी पार्टिकल ना ही तो ओरिजिन पे जाकर रुकेगा, ना ही वो इन्फिनाइट पे जाएगा, ना ही वो SHM परफॉर्म करेगा, तो SHM परफॉर्म नहीं करेगा, तो SHM यहां पर परफॉर्म तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उस पर एक फोर्स लग रहा है जो कि उसको बार बार उसके मेन पोजिशन की तरफ लेके जा रहा है, हालांकि वो फोर्स जो है उसके डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसका मतलब ये पार्टिकल जो है क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। देखिए आप यहां से यहां जाएगा, वैसे ही फिर आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ फोर्स लेगा, उसके कारण फिर से ओरिजिन पे जाएगा, फिर यहां पे क्या रहेगा, इसके पास काइनेटिक रहेगा, काइनेटिक से आगे की तरफ जाएगा, मींस लगातार वो ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा जबकि कोई भी वो SHM परफॉर्म नहीं करेगा। सो आंसर इज पार्टिकल विल परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन, नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर है आपको ये। तो ऐसे भी आप ध्यान रखिएगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कब वो परफॉर्म करता है, अगर मीन पोजीशन से बहुत स्लाइटली डिस्प्लेस करते, बहुत स्लाइटली एक्स का वैल्यू क्या होता, बहुत छोटा होता, मान लो यहां से यहां लगा के छोड़ देते, तो इतना दूर पर छोड़ते, तो वो क्या करता, तब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता, लेकिन यहां पे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज वेरी मच लार्जर देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन क्या है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा जब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन है तो उस केस में उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स हो ही नहीं सकता है, और जब फोर्स रिस्टोरिंग नहीं होगा तो पार्टिकल SHM परफॉर्म नहीं करेगा, देयरफॉर डिस्चार्ज विल परफॉर्म ऑसिलेशन बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर IIT JEE, ठीक है, सो नोट इट डाउन फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, आज के थर्ड नंबर पे चलते हैं, और वो ऐसा है कुछ कि तीन स्ट्रिंग में चार्ज Q को बांधे हुए हैं, सेम नेचर के तीन चार्ज हैं, Q, Q और Q, तीनों को तीन रस्सी के हेल्प से बांध दिया गया है, और रस्सी क्या है, रस्सी जो है सो मासलेस है। ओके, लेंथ ऑफ रस्सी दिया अपने को 100 सेंटीमीटर, एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या बोलना है कि वो क्यू है, क्लियर है ये, एंड मास ऑफ ईच चार्ज इज 1 ग्राम।
अब बोल रहा है कि तीनों को जब एक कॉमन पॉइंट से हम सस्पेंड कर रहे हैं तो तीनों एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे स्टे कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या आपको, कि अगर तीन रस्सी पे तीन ऑब्जेक्ट को हम किसी नॉर्मल ऑब्जेक्ट को बांधेंगे तो तीनों एक साथ लटके रहेंगे। तीन ऑब्जेक्ट को रस्सी से हम बांधेंगे, तीन रस्सी से तीनों एक साथ स्टे कर सकते हैं, लेकिन अगर वो तीनों चार्ज हैं तो एक साथ रह सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि तीनों का नेचर अगर सेम है, तीनों अगर मान लो पॉजिटिव या तीनों अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो उनके बीच में रिपल्सन आएगा, तो वो दोनों सभी एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे तीनों चार्ज एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे, और दूर जा करके वो एक पास नहीं रह करके तीन अलग अलग जगह पे स्टे कर रहे हैं, और जहाँ वो स्टे कर रहे हैं उन सभी कॉर्नर्स को हम जब ज्वाइन करते हैं तो अपने को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलता है, ठीक है ना। और क्या आगे बोल रहा है कि साइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीनों ऑब्जेक्ट में कितना कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है अपने को ये फाइंड करना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई 1984 में आ चुका है, तो बहुत ही ध्यान से केयरफुली समझिए। पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन इज थ्री चार्जेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू एंड मास एम, मास वन ग्राम ईच आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट विथ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट विथ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। इफ ऑल चार्जेज स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ईच, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, थ्री चार्ज है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू एंड मास 1 ग्राम, ईच आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट विथ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में लिखना मैं भूल गया हूँ, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। विथ फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट विथ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर। इफ ऑल चार्जेज स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ऐसा है कुछ, मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, दिस इज कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉमन पॉइंट, और यहां से तीन रस्सी में तीन चार्ज को हमने क्या किया है, सस्पेंड किया है। एक है क्यू, दूसरा भी क्यू और तीसरा भी क्यू, ये क्यू क्यू और क्यू, और तीनों जो जहां पे स्टे कर रहे हैं, जहां रेस्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइज अपने को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ये भी कितना होगा, दिस विल आल्सो बी 3 सेंटीमीटर, और इसका जो लेंथ है ये कितना दिया हुआ है, दिस इज 100 सेंटीमीटर। ये भी लेंथ 100 होगा, ये भी लेंथ 100 होगा। अब अपने से पूछ रहा है क्या, ये चार्ज क्यों कितना होगा। ओके सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए अब सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स सॉल्व दिस। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा डायग्राम बनाता हुआ दिखेगा,
और ये तीनों क्या होंगे, स्ट्रिंग होंगे। ऊपर से देखने में ऐसा कुछ दिखेगा कि तीन चार जो हैं ये क्यूब क्यूब और क्यूब ऐसे हैं, ऐसे एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, ये रस्सी यहाँ से आ रही है, एक रस्सी यहाँ से आ रही है और एक रस्सी यहाँ से आ रही है। तो ऊपर से देखेंगे तो अपने को ऐसा ही कुछ दिखेगा, तीन ये रस्सी हो गया और ये तीनों क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर है? और ये जो है दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो क्या हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? हम बोले हैं क्या, इजिली फाइंड कर सकते हैं, इजिली वी कैन फाइंड दैट डिस्टेंस। चलिए वो आपको फाइंड करके दिखाता हूं मैं, और फाइंड करना सिखाता हूं, हर बार नहीं बताऊंगा, बस एक बार अभी याद रखिए इसको, कि मान लीजिए कि पोलेट्रल ट्रायंगल का साइड कितना है, ए है। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर पुट किया, तो यहां से अगर हमने परपेंडिकुलर पुट किया तो ये टोटल एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अगर ये टोटल एंगल 60 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। मींस ये वाला एंगल 30 डिग्री एंड दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू ए, तो ये कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू ए कॉस 30 मींस ए रूट 3/2। अपने को मालूम है कि ये क्या है, दिस इज सेंट्रोइड। अब अगर ये सेंट्रोइड है तो इसका सेंट्रोइड तो यहां पे कहीं होगा। अब इस सेंट्रोइड यहां जहां भी हो, अपने को ये प्रॉपर्टी मालूम है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स मेरिडियन इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसको मीडियन मीडियन बोलते हैं, सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो ऑफ 2:1, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां वाले डिस्टेंस के इक्वल है, मींस टोटल डिस्टेंस का 2/3 ये वाला डिस्टेंस है। मींस ये वाला जो डिस्टेंस है जो ये यहां से यहां तक है उसका नाम हम r देते हैं, तो r विल बी इक्वल टू 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, दैट इज ए रूट 3/2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मींस इक्वल्स टू ए बाई रूट 3। मींस यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए बाई रूट 3 है, और इस वाले क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना है, साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। तो ये नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/√3 इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है क्या आपको ये, यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, दिस इज इक्वल्स टू √3 सेंटीमीटर, दिस इज √3 सेंटीमीटर। अब आगे चलते हैं, अगर मैं एक बार फिर से डायग्राम को रिड्रॉ करूं, तो देखिए क्या, एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है और एक चार्ज यहां है। तो इस वाले चार्ज जो फोर्स लेगा वो इधर तरफ लेगा कितना, मान लो F1, और इस वाले चार्ज जो फोर्स लेगा वो इधर तरफ लेगा वो कितना होगा, वो होगा F2। अब इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, F1 will be equal to F2 will be equal to KQQ by दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पे भी QQ, यहाँ पे भी QQ, मतलब दोनों फोर्स आपस में क्या है, इक्वल है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी 3×10⁻²⁻ का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, KQ स्क्वायर by 9×10⁻¹। क्लियर है? अब अगर ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हैं, दोनों का वैल्यू एफ है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हमने एक क्वेश्चन इससे पहले आपको करा दिया है कि टू इक्वल फोर्सेस कैप्ट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विल हैव रिजल्टेंट विल इक्वल्स टू √3 times मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ फोर्स। यानी दो इक्वल फोर्स अगर 60 डिग्री के एंगल पे एक्ट करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, दैट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू √3 times मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द फोर्स। यानी एफ रूट थ्री रिजल्टेंट होगा और उनके बीच से पास होगा, कितना पास होगा, एफ रूट 3। क्लियर है? तो ये हो गया क्या अपना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको मान लेते हैं, और ये क्या हो गया, ये हो गया वर्टिकल लाइन, मींस दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। यहां पे चार्ज क्यू है, तो इसका वेट कहां लेगा, नीचे लेगा, पर कितना लेगा वेट, तो mg लेगा। क्लियर है ये? तो अभी तक इसमें हमने तीनों चार्ज यहां पर रखा हुआ है और रस्सी इधर तरफ बंधी हुई थी, रस्सी यहां इधर तरफ बंधी हुई होगी, यहां पर रस्सी रहेगी, एक रस्सी ये, एक रस्सी ये और एक रस्सी। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और सेंट्रोइड यहां पे, तो सेंट्रोइड से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, √3। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये डिस्टेंस √3 है और स्ट्रिंग का लेंथ 100 है, दोनों में तो बहुत डिफरेंस आ गया सर,
कि रस्सी का लेंथ तो 100 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इस लेंथ को आप रूट थ्री दिखा रहे हैं। तो ध्यान रखिए, दिस इज प्रोजेक्शन, दिस इज नॉट रस्सी, ये रस्सी नहीं है, रस्सी का प्रोजेक्शन है। बहुत दोनों में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जैसे मैं मान लू ये मार्कर है, सपोज दिस इज मार्कर, और ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट का सोर्स लगा रहे हैं। ऊपर मान लो हमने एक बल्ब लगा दिया और नीचे इसके शैडो को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो जब ये मार्कर ऐसे रहेगा तो ऊपर लाइट ये रहेगा, शैडो का लेंथ किसके इक्वल होगा, मार्कर के इक्वल होगा। लेकिन अगर इस मार्कर को हम ऐसे करते हैं और लाइट ऊपर लगाए हुए, तो शैडो का लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब और कम हो जाएगा, अब और कम हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो शैडो क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। तो यहां पे जो अपने को मिल रहा है, दिस इज नॉट एक्चुअल लेंथ ऑफ रस्सी, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ रस्सी। क्योंकि रस्सी यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक है, फिर यहां से यहां तक। क्लियर हो रहा है ना ये, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे देखिए क्या, कि यहां पे जो रस्सी होगा उसको हम इधर तरफ दिखा रहे हैं, दिस इज टेंशन टी इन रस्सी। सेंट्रोइड यहां पे है, दिस इज सेंट्रोइड। अगर इस वाले एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल भी क्या रहेगा, थीटा रहेगा। ये डिस्टेंस कितना है, तो दिस इज रूट थ्री, और यहां से यहां तक कितना है, तो दिस इज 100। तो अब हम साइन थीटा फाइंड कर सकते हैं क्या, तो इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड साइन थीटा विल बी, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ये पर, ये अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रूट थ्री एंड हाइपोटेनस इक्वल्स टू 100। क्लियर है ये, तो ये हो गया क्या अपने को, साइन थीटा का वैल्यू आ गया, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दैट इज रूट थ्री बाय 100। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब इसके आगे चलते हैं, जो टेंशन टी है अगर इसका हम कंपोनेंट ब्रेक करें तो इस टी का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, टी साइन। अब ये वाला जो चार्ज है, दिस चार्ज इज इक्विलिब्रियम, अगर ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं सिंस चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब समेशन फोर्स इन एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। तो एक्स में जो फोर्स है, एक्स में इधर की तरफ क्या लग रहा है, टी को टी साइन थीटा, और इधर तरफ कितना लग रहा है, एफ रूट थ्री। मैं सब बोल सकते हैं टी साइन थीटा इक्वल्स टू एफ रूट थ्री। सिमिलरली समेशन फोर्स इन वाई शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो वाई में ऊपर वाला फोर्स कितना है, टी कॉस थीटा, और नीचे वाला कितना है, एम जी। यानी t cos theta should be equal to mg। अब आप इसको इक्वेशन 1 दे दिया नाम, इसे इक्वेशन 2 दे दिया नाम। अगर दोनों को हम डिवाइड कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 2 अगर करते हैं तो 1 कितना है, t sin theta, और 2 कितना है, t cos theta। यानी t sin theta by t cos theta equals to f root 3 divided by mg, f root 3 divided by mg। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को मिल जाएगा ये 10 tan theta equals to f root 3 divided by mg। अब यहां पे क्वेश्चन ये रह जाता है कि tan theta का वैल्यू क्या होगा, तो चलिए tan theta का वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। अब देखिए क्या ये sin theta का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या है, ये बहुत छोटा वैल्यू है। जो sin theta का वैल्यू है ये कितना है, root 3 by 100। अगर ये root 3 by 100 की बात करेंगे तो root 3 का वैल्यू कितना होगा, 1.7 या आसपास कुछ हुआ। अब उस पूरे टर्म को हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक बहुत छोटा टर्म मिलेगा, यानी दिस वैल्यू इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल। अगर ये वैल्यू बहुत छोटा है तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, और इसका वैल्यू भी ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा होगा। यानी टेन थीटा जो हम ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, तो टेन थीटा का जगह पे अगर ये वाला वैल्यू रखेंगे तो रूट थ्री बाई 100 इक्वल्स टू फोर्स का वैल्यू कितना है, तो फोर्स का वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई 9 × 10⁻⁴। तो वो वाला वैल्यू रखते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 9 × 10⁴ इंटू रूट थ्री डिवाइड बाई एम जी। तो एम कितना है, 1 ग्राम, तो 1 × 10⁻³ kg, एंड जी का वैल्यू कितना हो गया, 10। यहां तक सबको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके आगे चलिए सॉल्व करते हैं।
कैलकुलेशन है। उसके बाद देखिए क्या, रूट थ्री बाई हंड्रेड विल बी इक्वल टू k का वैल्यू 9 × 10⁹। ओके, q का वैल्यू तो अपने को फाइंड करना है, इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाई 9 × 10⁻⁴ × 10⁻³ × 10। तो एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया। नाउ वी आर हैविंग 1/10 इक्वल्स टू, इधर क्या बचा, क्यू स्क्वायर, और 10⁹ और 10⁷ नीचे से ऊपर है, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना, 7 × 9 = 16। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आएंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10⁻⁶ इक्वल्स टू 1/10⁻⁷ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷। और यू कैन से दैट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 10 × 10⁻¹⁸। अब क्यू स्क्वायर का अगर इतना वैल्यू आया है तो क्यू का वैल्यू भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट दिस वैल्यू मीन्स अंडर रूट 10 × 10⁻¹⁸ इक्वल्स टू 10√10 का वैल्यू कितना होगा, 3.1 समथिंग होगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 3.16 के आसपास होता है × 10⁻¹⁹ कूलम। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया क्या ये, अच्छे से एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है आईटी एग्जाम में तो किसी ना किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, इसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नोट इट डाउन फर्स्ट, सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि एक पेंटागन है और उस पेंटागन के हर एक कॉर्नर पे चार्ज क्यू हमने रखा है, चार कॉर्नर, पांचवें कॉर्नर पे कुछ चार्ज नहीं, और इसके सेंटर पे एक चार्ज कैपिटल क्यू रखे हैं। सेंटर से हर एक कॉर्नर का डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है, ये डिस्टेंस आता है कितना है, स्मॉल आर है। एंड क्वेश्चन इज फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, ठीक है, यानी जो रेगुलर पेंटागन है उसके सेंटर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस वाले चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, ये अपने को बताना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आइए इसको देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर आता हूं उस पर। सो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि मैंने अपना सेकेंड लेक्चर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ाया था और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराया था, ठीक है। उस लेक्चर में मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताया था, वह स्पेशल ट्रिक क्या था कि अगर किसी भी पॉलीगन के, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के हर एक कॉर्नर पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है तो उसके सेंटर पे जो चार्ज होगा उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। ये बताया था ना कि इफ ऑन ए ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल चार्जेस आर केप्ट देन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर ऑफ दैट पॉलीगन विल बी जीरो। ये ट्रिक आपको बताया था, उसी ट्रिक का हेल्प लेकर के वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल ढंग से सॉल्व करने जाइएगा तो आप पहुंच जाइएगा वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि एक बार इन दोनों फोर्स को निकालना होगा, इन दोनों के बीच के फोर्स को, फिर इन दोनों के बीच के फोर्स को, फिर इन दोनों के बीच के फोर्स को, फिर इन दोनों के बीच के फोर्स को, और सभी के फोर्स को निकाल करके कैलकुलेट करके उसको क्या करना होगा, आपको वेक्टर एडिशन करना होगा।
और उसमें भी जो एंगल्स आएंगे वो एंगल्स बहुत ही खतरनाक आएंगे, वो उन एंगल्स का वैल्यू आपको याद नहीं रहता है, मतलब उसके लिए आपको साइंटिफिक कैलसी की जरूरत पड़ेगी या फिर लॉग टेबल पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ट्रिक हम आपको बताए थे उस ट्रिक का हेल्प लेंगे। अब देखो क्या इन चारों के कारण जो नेट फोर्स है वो अपने को फाइंड करना है। अपने को पता है कि अगर यहां पे एक और क्यू चार्ज हम रख देंगे तो इस वाले सेंट्रल चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहां पे एक और चार्ज रख देंगे तो सेंट्रल चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज यहां पे जो हम रखेंगे वो अकेले उतना फोर्स लगा दे रहा है जितना ये चारों चार्ज मिलकर के अप्लाई कर रहे हैं। मीन्स इन चारों चार्ज ने मिलकर जो फोर्स अप्लाई किया उस उतना अमाउंट का चार्ज, उतना अमाउंट का फोर्स ये चार्ज अकेले इस पे अप्लाई कर रहा है, और इसके द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स जो डायरेक्शन है इन सभी के द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स के अपोजिट है, तभी तो बैलेंस हो पा रहा है। तभी क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। तो इसी कंडीशन का हम यूज कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर यहां पे एक और चार्ज हम रखते हैं तो अब इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का लगने वाला फोर्स फाइंड कर सकते हैं, तो एफ विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वन का वैल्यू कितना है, स्मॉल क्यू, क्यू टू का वैल्यू कितना है, कैपिटल क्यू, बाई दोनों के बीच का सेपरेशन आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हो गया ये इसके कारण इंडिविजुअल फोर्स हो गया, और यही फोर्स इन सभी के एडिशन के इक्वल होता है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू एफ। तो अपना रिजल्टेंट जो आंसर है वो यही होगा, बस क्या होगा डायरेक्शन वाइज रिवर्स आएगा, यानी अगर इसका फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है तो इन सभी का फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ। तो देयरफॉर दिस इज रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स अप्लाइड बाई ऑल फोर चार्जेस एंड इट्स डायरेक्शन इज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, क्लियर है ये। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ओके सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिजिक्स एडिक्शन को, ताकि फ्यूचर में आपको मैं और हेल्प कर सकूं। थैंक यू।